हेलो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। करते हैं तो पास सिंपल सा है, सेकंड में देख लेते हैं। ये भी सिंपल है, कोई रूल्स भी नहीं है। तो वही है डिटरमिनेंट, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और ये वाला पहले आपने क्या करना है, माइनस का साइन डालना है। ये वाला मल्टीप्लाई करो तो पहले माइनस का साइन डाल के फिर देखना है। माइनस को प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में, तो माइनस में माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन थीटा का साइन थीटा से क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। वो स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपना क्या आ गया, वन आ गया। तो इसका जो डिटरमिनेंट ए है वो क्या आ गया, वन आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो पहले ये वाला प्रोडक्ट करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन से, अब माइनस का ये वाला करेंगे एक्स प्लस वन का एक्स माइनस वन से, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है कौन सा, क्योंकि ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर देखेंगे तो ये होगा ए प्लस बी, बी की जगह पर हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस में ए बी एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर। फॉर्मूला हो गया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया, वन का क्यूब, वन हो गया। माइनस में ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस वन। तो ये आ गया अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आ गया इसका डिटरमिनेंट। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें इफ मैं फोर्थ करवा रहा हूं, अभी फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ ए है वन ए मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स
दिया और हमें प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, 3 a का मतलब a को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 27 ऑफ डिटरमिनेंट a। तो कर लेते हैं, तो नाउ 3a देखते हैं, 3a क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है तो ये वाला ब्रैकेट 100 010 124 3 से करेंगे तो पूरे R1 R2 R3 सेल के साथ होगा, तो 3 03 036 0012 ये हो गया मैट्रिक्स। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ 3a, देखो ये डिटरमिनेंट है, ये अपनी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो पहले भी करती है, मैट्रिक्स होता है एक अरेंजमेंट, जबकि डिटरमिनेंट क्या होता है अपना एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई नंबर होता है। तो 3a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि इसको डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंज करें तो ये बन गया अपना 030 3612, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब डिटरमिनेंट जब निकालते हैं चाहे आप R1 को एक्सपेंड कर दो, यानी कि जैसे हमने पहले निकाला था कि R1 से निकाला था, चाहे आप R1 को एक्सपेंड करो या R2 को करो या R3 को करो, इक्वल ही रहता है, या फिर C1 C2 C3 कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, तो मैं इसमें कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोन R2, किसी से भी निकालो सेम ही रहेगा। तो हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 3, यानी कि ये क्या आ गया, R2 से करें ना, R2 से करें तो पहला एलिमेंट क्या है इसका, अगर बनाओ देखें तो ये है A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33। इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें R2 से करें तो R2 का ये एलिमेंट कितना आया, 21 आया, 21 का मतलब 2 + 1 = 3, ओड है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो 0 एलिमेंट है क्या, माइनस में 0 इंटू, आप ये रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो इनका मल्टीप्लाई करो, ये बचा ना अपना, तो ये आ गया 0, माइनस का साइन डाला, माइनस में -3, और वैसे भी अगर बाहर 0 है तो 0 समथिंग 0 बन जाएगा, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका, 3 है, तो क्या आएगा 3, ये A21, 21, 22, 22, 2 + 2 क्या हो गया, और इवन हो गया, तो क्या आ जाएगा प्लस का, क्या बाहर है 3। अब वही है, ये वाला रो छोटो, ये वाला कॉलम छोटो, अपने पास बचा क्या 312 क्या हो गया 36, माइनस का साइन डाल के ये क्या है 0 0 × something 0 डाल सकते हो। अब तो थर्ड क्या है अपना 6, ये किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये एलिमेंट है आपका, ये है A23 और 23 है 2 + 3 कितना हो गया 5, ओड हो गया ना, ओड हो गया तो ये वैल्यू आ गया नेगेटिव, और तो माइनस में 6। अब वही है, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, ये रो छोड़ा जिसमें 6 लाई करता है ये वाला, और ये कॉलम छोड़ा तो अपने पास आ गया 3 × 0 0 माइनस में 0 किया तो 0 × something 0। अब 3 × 36 ये आ गया 108, ये भी क्या बन जाएगा 6 × 0 यानी कि 0, डिटरमिनेंट ऑफ 3 ये आ गया ये, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए का 27 टाइम अब ना निकाल लो, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे इसमें हमने R2 का एक्सपेंड किया था, A की बात है आप कहीं से निकालो, R2 निकालो, R3 निकालो, C1 निकालो, C2 निकालो, C3 निकालो, वैल्यू डिटरमिनेंट का सेम रहेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A अपना A है 100 010 124, जैसे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोन, जैसे C3 लेते हैं आपको दिक्कत ना रहे, एक्सपेंडिंग अलोन C3 निकालेंगे तो क्या हो गया, इसका निकाल रहे हैं ये एलिमेंट कौन सा है 134 प्लस का आएगा, तो प्लस का लगाने की जरूरत नहीं, 1 बाहर, ये कॉलम और ये रो छोड़ा, ये कॉलम और ये रो छोड़ा, ये 0 - 0। अब ये वाला कॉलम क्या हो गया 23 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 + 3 5 5 क्या है ओड है तो माइनस बार क्या है बार 2 × अब वही है, ये कॉलम छोटा, ये रो छोटा, ये कॉलम छोटा
ये रो छोटा, अपने पास क्या बचा, ये यही बचा। तो जीरो माइनस में वन इंटू जीरो, जीरो माइनस में जीरो। अब इसका निकाल रहे हैं, हाँ जी ये हमने रखा था वन, इसको एक्सपेंड किया वन, फिर टू को कर दिया माइनस टू। अब ये किसका आ जाएगा फोर, ये थ्री थ्री सिक्स, तो ये पॉजिटिव आ गया फोर। ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो अपने पास क्या आ गया वन माइनस में जीरो, यानी कि अगर हमने सॉल्व किया तो वन इंटू जीरो क्या बन गया, जीरो। लिखेंगे टू समथिंग जीरो जीरो, ये क्या आ गया फोर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इसको करोगे तो ये क्या है 27 इंटू फोर कितना होता है 108, है ना। तो क्लियर हो रहा है कि y फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, हेंस